हेलो फ्रेंड, ये आज हम आउटडोर ट्रांसफार्मर के बारे में आज कुछ जानकारी हम लेंगे। इससे कंपटीशन एग्जाम में तथा और भी कई कोर्स के एग्जाम में आईटीआई और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। आप इसके पहले कुछ पार्ट्स देख लीजिए। ये जो हैं ये कूलिंग ट्यूब्स या फिन्स कहे जाते हैं। ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ठीक है। ये इसका कंजर्वेटर टैंक हो गया। ये बुक होल्स रिले है, वो वाल्व है, एक्सप्लोज वाल्व है। ये इसका ओटीआई था, डब्ल्यूटीआई इंडिकेटर है, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाइए, ये देखिए, ये इसका है नेम प्लेट है। इससे इस ट्रांसफार्मर की सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। इधर आइए, यहाँ देखिए, ये इस ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर है। यहाँ से हम इसकी आउटपुट वोल्टेज को टैप चेंजर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। वो उतर ट्रांसफार्मर में जो इसके लेवल को बताता है, एमओजी। ये देखिए, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है। इसमें देखिए न्यूट्रल नहीं है, इससे हम लोग पता चलता है ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग है। ये फिर से फिन्स, ठीक है दोस्तों। इधर चलिए, एक एक को बताएगा। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट से इसके बारे में जानेंगे। ये कितने केवीए का है तो हम यहाँ देखते हैं। ये यहाँ पर केवीए लिखा हुआ है, 1250 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसका हाई वोल्टेज मतलब प्राइमरी वाइंडिंग है 1100 वोल्ट और लो वोल्टेज साइड है 415, ठीक है। ये हमको 1100 वोल्ट को 415 मतलब स्टेप डाउन करके हमको 415 वोल्टेज देगा, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को कम करके लिया जाता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तथा जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में से वोल्टेज को बढ़ा कर लिया जाता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ट्रांसमिट करना रहता है, वहाँ पर हम लोग वोल्टेज को हाई करके स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पर जब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब फील्ड के एरिया में, तो वहाँ पर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टार कनेक्शन किया जाता है, जिससे कि हमको न्यूट्रल मिलता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आइए, ये इसे फिन्स या कूलिंग ट्यूब कहा जाता है। हाँ, इसमें आयल जब गर्म हो जाता है तो इसमें आता है और इसमें ये पूरे सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है। हाँ, ठीक है, इसमें आकर वो पतली पतली ये फिन्स बनी हुई है, जिसमें आकर वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और नेचुरली जो हवा पास होती है जिससे आयल ठंडा होकर उस पाइप के थ्रू फिर से टैंक में चला जाता है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है, इस पर आप देख सकते हैं ये डब्ल्यू वी यू और एन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग आर वाई बी तथा न्यूट्रल भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए, ये क्या है, ये एक टैंक यहाँ ऊपर बना हुआ है, ये इसका कंजर्वेटर टैंक कहा जाता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ क्या होता है, तो इसका यूज जनरली ये होता है ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में, जब ऑयल गर्म हो जाती है, ज़्यादा हीट उसमें बनने लगता है, तो ऑयल गर्म होकर अपना एरिया वॉल्यूम बढ़ाती है, ठीक है। तो कंजर्वेटर टैंक होता है, इसमें हम ऑयल को बस आधे लेवल तक ही फिल करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब ऑयल गर्म होती है तो गर्म वो होता है तो एक्सपेंड होता है, तो ये ऊपर तक जाती है, ठीक है, और इसको पूरा जगह मिलता है फैलने के लिए, ठीक है। और जब ठंडी होती है फिर से सिकुड़ जाती है, इसके लिए हम लोग कंजर्वेटर टैंक लगाते हैं। इसी के थ्रू वो एक ब्रीदर, एक डब्बे जैसा होता है, ब्रीदर लगा रहता है, वो इसमें खोल दिया गया लगता है, उस मतलब इसी से वो कनेक्ट रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें उस डब्बे के अंदर सिल्का जेल रखा जाता है। सिल्का जेल का जनरली मतलब नॉर्मल कंडीशन में ब्लूइश होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, सिल्का जेल का मेन काम है कि ट्रांसफार्मर जो एयर इन लेता है उसमें कुछ मॉइस्चर होते हैं, उस मॉइस्चर को वो सोख लेता है, ठीक है, और वो मतलब ड्राई एयर को अंदर जाने देता है, क्योंकि मॉइस्चर अंदर जाएगा तो वो स्लैग बनाएगा और वो ऑयल को ख़राब करेगा, ठीक है। इसीलिए वो ब्रीदर लगा होता है, ब्रीदर लगने से क्या होता है, उसमें सिल्का जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू कलर उसका नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो पिंक या रेड कलर का हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। इसी के साथ ये यहाँ पर देखिए, ये है बुक होल्स रिले, ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही मेन सेफ्टी जो होता है वो बुक होल्स रिले होता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है, ये एक गैस एक्चुएटिंग रिले होता है। इसमें दो मर्करी वाल्व यूज की जाती हैं, जो एक जो पहला वाला मर्करी वाल्व होता है वो जनरली बस अलार्म के लिए होता है कि
ऑयल जब मीडियम लेवल का जब हीट होती है तो अलार्म सर्किट को वो इंडिकेट कर देता है इस वायर के थ्रू, ये जो इसमें वायर लगा हुआ है इसके थ्रू ये अलार्म सर्किट को इंडिकेट कर देता है, ठीक है। और जब दूसरा, जब ज़्यादा अंदर की ऑयल मतलब वाइंडिंग ज़्यादा हीट हो जाती है, जिससे ऑयल मतलब ज़्यादा एयर बनने लगता है, हीट हो जाती है तो ज़्यादा गैस बनने लगते हैं, इससे क्या होता है जब सेकेंडरी उसका मर्करी वाल्व जब उसका एक्टिवेट होता है तो वो सर्किट ब्रेकर को मतलब सीवी को सर्किट ब्रेकर को ये ट्रिप करा देता है मैसेज भेजकर, ठीक है। इसका ये देखिए, इसमें दो इंडिकेटर दिए हुए हैं मीटर, क्या लिखा हुआ है वहाँ पर देखिए, WTI लिखा हुआ है और इसमें OTI लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। WTI का मतलब होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ठीक है। ये जनरली हम लोग को जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका ये टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। इसमें थर्मिस्टर लगे हुए तो होते हैं वाइंडिंग के साथ, जिससे कि वो उसका टेम्परेचर वो मेजर कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे दो सुइयां दिख रही होंगी आपको, एक रेड होगा एक ब्लैक होगा। जो ब्लैक वाली सुई है वो इसका एक्चुअल टेम्परेचर शो करेगी, और ये जो रेड वाली है इसको हम लोग मूव करा सकते हैं जितना चाहें उतना, मतलब हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतने से ऊपर हो तो हमको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। सेम वैसे इसमें है OTI, OTI मतलब होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ये ट्रांसफार्मर के ऑयल में एक थर्मिस्टर लगा रहता है जो उसके टेम्परेचर को मेजर करके यहाँ पर इंडिकेट कराता है। इसमें भी सेम ब्लैक और एक रेड कलर का ये नीडल दिख रहा है। ब्लैक जो कलर होता है वो हमको एक्चुअल टेम्परेचर को शो करता है, ये रेड वाला ये हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं कि इतने के बाद से हमको पता चल जाए देखने के बाद कि ये अपने मैक्सिमम तक पहुँच गया है, ठीक है फ्रेंड। इधर लाइए, यहाँ हम देखते हैं, ये है ओवरलोड टैप चेंजर। यहाँ से जो हमको आउटपुट टर्मिनल पर जो वोल्टेज चाहिए रहता है, ठीक है फ्रेंड, उसको हम लोग यहाँ से अनलोड टैप चेंजिंग करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज हम लोग वोल्टेज को वेरिएबल यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ आप देखिए ये क्या है, ये है मैग्नेटिक ऑयल गेज लेवल इंडिकेटर। इससे क्या होता है, इस MOG है ये, इसका जनरली यूज होता है कंजर्वेटर में, जब ऑयल की लेवल घट जाता है उस समय इसका यूज, ये इंडिकेशन अपना देने लगता है। इसके साथ भी अलार्म लगा रहता है, इसके थ्रू एक सर्किट गई रहती है जिससे कि ये अलार्म देने लगता है कि इसमें ऑयल वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। यहाँ आपको देख रहा है एक पाइप के थ्रू ये लगा हुआ है, इसे कहते हैं एक्सप्लोजन वाल्व। जब कभी कभार वाइंडिंग और ऑयल ज़्यादा हीट हो जाता है तो इस वाल्व के थ्रू गैस जो होती है वो इसे फोड़ कर एक्सप्लोज करके बाहर निकल जाती है। ये सारी जितनी भी हैं ये OCG, ये एक्सप्लोजिंग वाल्व बिकोज लिए ये सारी स्थिति सेफ्टी कही जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बना हुआ है, इससे हम लोग क्या करते हैं ऑयल को मान ली कभी भी सफाई वफाई या फिल्टर करने के लिए किया जाता है तो इस वाल्व के थ्रू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको खोल के यहाँ से हम लोग सप्लाई को निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ पर देखिए, ये है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग देखेंगे तो न्यूट्रल कहीं भी नहीं है, UVW, इसको हम लोग RYB भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। इस साइड भी फिंस लगी होते हैं, फिंस हमको दोनों साइड में देखने को मिल जाएंगे। फिंस का यही काम होता है, ये ट्रांसफार्मर के ऑयल को ये ठंडी करती हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे आपको और चीज़ दिखाते हैं, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे फिंस में दोनों साइड में वाल्व लगे होते हैं। ये देखिए कैसे, जो ये टैंक है हम लोग का ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसमें ये पाइप के थ्रू इसमें ये जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन पाइप में एक वाल्व भी लगे होते हैं, यहाँ ऊपर की साइड में वाल्व लगे हुए हैं, चाहे इस यहाँ पर एक वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। फिंस या कभी लीकेज हो जाए या कभी इसको सफाई करना हो या इसको कुछ मेंटेनेंस करना हो तो इस वाल्व को हम लोग बंद करके इस फिंस को निकाल सकते हैं, और इसमें कोई भी मतलब मेंटेनेंस करना हो या कुछ भी करना हो तो हमको इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। धन्यवाद। तो दोस्तों सेम ऐसे ही और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और उससे संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करें, तथा अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं जिसका यूज के रूप इलेक्ट्रिकल एग्जाम में तथा और भी जानकारियां लेने के लिए कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, ये हमारे हर जगह यूज किया जाता है। धन्यवाद।